मैरा बेटा, वो तुम्हारे मियाँ का क्या हाल है? अब कैसी तबीयत है? अरे वो ठीक है, बस ऐसे ही कभी कभी कर देता है। मुनीब से पूछे, बहुत अच्छा है वो, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ बेटा, सारे शोरों का दिमाग ना ऐसा ही होता है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। हाँ खैर फुफा तो ऐसे नहीं है। अरे वो भी ऐसे ही थे। हाँ इस शादी के दूसरे दिन ना एक दफा तो इतनी जोर से भड़के कि मैं तो डर के मारे ना पलंग के नीचे छुप गई। सही कह रही हूँ मैं, मैंने सुधारा है उनको। और अब तो आवाज भी नहीं निकलती उनकी। मान सकती हूँ वैसे मैं ये बातों को। चल हट, शरारती ना हो तो। अच्छा मेरा वो बेटा, एक बात पूछनी थी, तुम्हारे मियाँ को लोगों से मिलने जुलने में कोई मसला तो नहीं है? अरे फुफो आपको क्या पता, उनके इतने चाहने वाले और चाहने वाली हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलो बस फिर तो मसला ही हल हो गया। ठीक है अब देखो ना बेटा, तुम्हारी शादी तो इतनी जल्दी जल्दी में हड़बोंग में हुई, हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं। अब हम लोग सोच रहे थे कि जुमे वाले दिन ना तुम्हारे आने की खुशी में ना खाना रख दें, ताकि सब लोग ना शहीर से भी मिल लें। जबरदस्त, वो तो वैसे ही सबसे मिलना चाह रहे थे, बस मौका ही नहीं मिल रहा था। चलें इसी बहाने मिल लेंगे। लेकिन पप्पू एक मसला है, मेरे पास कोई जोड़ा नहीं है ऐसा कि मैं पहन सकूं। अरे तू फिक्र ना कर बेटा, मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है। मैंने ना तुम्हारे लिए एक बड़ी प्यारी सी साड़ी पसंद की है। पप्पू वो एक्चुअली शहीर को पसंद नहीं है। पता है लाहौर में डिजाइनर शॉप है ना, वहां से ली थी मैंने। पर अगर शहीर को पसंद नहीं है तो फिर अब क्या करे, इतना थोड़ा सा टाइम रह गया तो कोई इंतजाम कैसे करेंगे? पप्पू ऐसा करें आप, छोड़ें मेरे पास एक जोड़ा है ना गोटे वाला, मैं वही पहन लेती हूँ। ना 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 बेटा, ये गोटा वोटा छोड़ो, ऐसे करो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बाजार हैं। हाँ सब कुछ मिलता है, तुम शहीर के साथ जाओ, उसकी पसंद का ना कोई भी अच्छा सा जोड़ा खरीद लो। अरे वो इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बात नहीं मैं पहन लेती हूँ जो साड़ी आप कह रही हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर देखना बेटा शहीर को पसंद नहीं तो। वो मेरी हर बात मान लेते हैं, मैं उनको मना लूंगी। ठीक है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अभी दिखाती हूँ मैं। अरे मायरा बहुत जल्दी में हो। नहीं वो शहीर के पास जा रही थी। अच्छा ओ, तुमने पिक्चर्स देखी? कौन सी? अच्छा लास्ट टाइम तुम लोग यहाँ आए थे, आओ ना बैठो तुम्हें पिक्चर्स दिखाता हूँ। अरे हाँ वो तो मैंने देखी नहीं, दिखाओ। आओ दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छे ना? हाँ सुनो, इसमें सायरा की तस्वीरें क्यों नहीं है? है ना, ये आ गई पुरानी यादें। मेरी तुम्हारी कितनी दोस्ती होती थी ना, याद है हम एक दफा छुपके आइसक्रीम खाने गए थे? उस दिन याद है मुझे। मैंने तुम्हें अपनी खिचड़ी खिलाई थी और तुम्हारी बिरयानी मैंने खा ली थी। याद है अभी तक? हाँ। वैसे मैं उस वक्त को बहुत मिस करता हूँ मायरा, कितना अच्छा वक्त था, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। अरे मायरा क्यों ना हम उन पुराने दिनों को दोबारा याद करें, आइसक्रीम खाने चले हम लोग जैसे पहले गए थे बाइक पे। हाँ चलो। है ना, चलो। सुनो ये वही टाइम है ना जब तुमने मुझे बताया था कि शहीर का एक्सीडेंट हो गया? कितना गिल्टी फील करती थी, और तुम्हें पता है मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, या फोन करके सॉरी कर सकूं। और मैं सोचती हूँ कितना बुरा लगता होगा शहीर को। सुनो तो मैं पता था वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ? मायरा, मायरा
मायरा किस तरह की पैकिंग की हुई है यार, ये हाथ पे शहीर शहीर लगाया होता है इसने, और कोई बात ही नहीं आती करनी। क्या चाहिए? ये किस तरह की पैकिंग की हुई है, कोई तरीका है? ये कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। अच्छा भाई अगली दफा तुम समझा देना कैसे पैकिंग करूं। क्या हो गया? लगता है भावलपुर सूट नहीं किया तुम्हें, हर बात पे गुस्सा करते हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे से इस तरह बात कर रही हो। मालूम है तुम मेरे घर वालों से मिलने आए हो, तो अब तुम्हारी टैंट्रम्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे मुझे। अच्छा अपना मूड ठीक करो ना, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। फूफू ने ना फ्राइडे को डिनर रखा है, पूरे खानदान वालों को तुमसे मिलाना चाहती हैं। नहीं मिलना किसी से। लो तुम्हें तो कहा था तुम मिलना चाहते हो सबसे। भाई तब मूड था, अब नहीं है मेरा मूड। तुमने लड़ना है तो लड़ लो इस बारे। चलो शुक्र है अब मुझे बाजार ना जाने का बहाना तो नहीं करना पड़ेगा ना। बाजार में क्या है? वो पुप्पू ना मेरे लिए साड़ी लाई थी, तो मैंने उन्हें कहा तुम्हें पसंद नहीं है, तो कही थी बाजार से दूसरा जोड़ा ले आओ, मैंने मना कर दिया। नहीं पुप्पू ने फंक्शन का सारा इंतजाम कर लिया। हाँ मतलब फ्राइडे को है तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया, कर लिया होगा। नहीं नहीं अगर वो बेचारी फंक्शन करना चाह रही है तो उन्हें करने दो। नहीं अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कैंसिल करवा लेते हैं, मतलब आर यू श्योर? हाँ हाँ I'm absolutely sure, लेकिन साड़ी नहीं तुम पहनोगी, साड़ी में तुम जहर लगती हो, कोई और ड्रेस लेके आओ जाके। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें जहर लगती हूँ। भाई जो सच था वो बता दिया ना, अब मुनीब के साथ जाओ और बाजार से कोई और ड्रेस लेके आओ। मुनीब के साथ क्यों जाऊँ मैं पप्पू के साथ जाऊँगी। पप्पू के साथ नहीं जाओगी, उन्हें पहले भी बहुत काम है, तो मुनीब के साथ जाओ। मतलब मैं नहीं जाना चाहती उसके साथ, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? क्यों क्यों नहीं जाना उसके साथ? मतलब मुझे लग रहा है कि उसके साथ जाना ठीक नहीं है, इसलिए। पागल हो गई हो तुम, इसमें क्या हर्ज है भला? मुनीब को कहो तुम्हें लेके जाए। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है मैं फूफो के साथ जाऊँ मुनीब के साथ जाऊँ? भाई मुझे पड़ता है ना फर्क, तुम मुनीब के साथ जाओगी, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब जाओगी या नहीं जाओगी? शहीर तुम इसरार क्यों कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है इसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा है? मुझे क्या पता होगा फायदा। इस तरह नहीं तुम मानोगी। मुनीब। शहीर। मुनीब। मुनीब। शहीर। एक मिनट चुप रहो तुम। नहीं शहीर प्लीज। चुप रहो मुझे उससे बात करने दो। क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? भाई मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। चुप करो मुनीब तुम प्लीज। क्यों बुला रहे थे? इसको बाजार लेके जाओ, इसको पार्टी के लिए ड्रेस लेके दो। ड्रेस अम्मी ने दिया तो है। अरे साड़ी है, वो साड़ी में नहीं अच्छी लगती है। क्या? ये साड़ी में अच्छी नहीं लगती? आ, इसको साड़ी बांधनी कहाँ आती है जो इसको साड़ी ले दी है, जाके इसको कोई शलवार कमीज लेके दो पार्टी के लिए। चलो तुम क्या चाहती हो मायरा? क्या फर्क पड़ता है, जा रही हूँ चेंज करने, चलते हैं। एक इंतहाई जालिम इंसान हो तुम। आई नो